भारतीय इतिहास के 5 ऐसे राजा जिन्होंने कभी शत्रु के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, जिन्होंने अपनी प्रजा के सुख के लिए अपने लिए दुख को चुना, जिन्होंने राजा होकर भी जीवन पर संघर्ष किया लेकिन अपनी प्रजा और अपने वतन पर आज तक नहीं आने दी। सोने और चांदी की थालियों में पकवान खाने वाले राजा को जंगलों में रातें बितानी पड़ी और घास फूस की रोटियां खानी पड़ी क्योंकि वो भारत में स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो आज हम आपको उन 5 राजाओं से रूबरू करवाएंगे। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जीवन कई कठिनाइयों से भरा पड़ा था। जब उनका राज्याभिषेक हुआ तब महाराणा प्रताप के पास पर्याप्त सेना भी नहीं थी, यहाँ तक कि उनके भाई भी उनके साथ नहीं थे। जब अकबर ने उन पर आक्रमण किया तब महाराणा प्रताप के पास उतना धन भी नहीं था कि अपने सैनिकों को वेतन दे सके। महाराणा प्रताप ने स्वराज्य और अपनी प्रजा के लिए आजीवन जंगलों में अपना जीवन यापन किया लेकिन कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की काफी सेना वीर गति को प्राप्त हो चुकी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर फिर से अधिकार कर लिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिनकी उदारता और महानता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, मोहम्मद गोरी बार बार दिल्ली पर आक्रमण करता रहा और सम्राट पृथ्वीराज चौहान उन्हें माफ करते रहे। उन्होंने कभी छल से युद्ध नहीं किया। मोहम्मद गोरी ने जब धोखे से उन्हें बंदी बना लिया तो उन्हें कई तरह की यातनाएं दी गई, उनकी दोनों आंखों में गर्म सरिये डाल दिए गए और वे अंधे हो गए, लेकिन उन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया। एक सच्चे राजपूत की तरह अपने शत्रु गोरी को शब्दभेदी बाण से मौत के हवाले कर दिया। हम्मीरदेव चौहान। रणथंभौर के राजा राणा हम्मीरदेव, जिनका एक अलग ही इतिहास है जो वीरता, विजय और अपने हट के लिए प्रसिद्ध है। जब अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति हम्मीर की शरण में जाते हैं तो महावीर हम्मीरदेव चौहान उनकी रक्षा का वचन देते हैं, जिसके लिए उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करना पड़ता है लेकिन वे अपना वचन निभाते हैं। इनके बल का अनुमान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि राणा हम्मीरदेव चौहान ने 2 बार अलाउद्दीन खिलजी को अपनी तलवार की नोक पर चने चबा दिए थे, जिन्होंने उसे 3 महीनों तक अपनी कैद में रखा। इतने बलशाली शासक थे हम्मीरदेव चौहान। राणा सांगा। दोस्तों, राणा सांगा का नाम जहन में आते ही एक वीर पराक्रमी जाबाज योद्धा की छवि हमारे दिमाग में बन जाती है, क्योंकि राणा सांगा वो नाम है जिनके नाम से दूर दूर तक दुश्मनों का थर्रा कांपता था। लेकिन राणा सांगा ने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे, इसीलिए वे इतने बहादुर भी थे। सर्वप्रथम राणा सांगा की एक आंख उनके भाई द्वारा घायल हो जाती है, जब उनके भाई ही उनके ऊपर तलवार से वार करते हैं जिससे उनकी एक आंख घायल हो जाती है। उसके बाद राणा सांगा को कई साल जंगलों में गुजारने पड़ते हैं। जब राणा सांगा राजा बनते हैं तो मेवाड़ का परचम चारों ओर फैलाने के लिए उन्होंने कई युद्ध लड़े और वे उनमें विजय रहे, जिनमें उनका एक हाथ एक पैर घायल हो जाता है। इस प्रकार राणा सांगा का आधा शरीर घायल हो जाता है लेकिन उनका हौसला कम नहीं होता। वे हिंदुत्व की रक्षा के लिए दिल्ली पर बाबर से युद्ध करते हैं लेकिन उनको उसमें सफलता नहीं मिलती और कुछ उनके ही लोग उन्हें जहर दे देते हैं और वे वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज बचपन से ही देश प्रेमी थे। उन्होंने भारत पर हुए अत्याचार के बारे में कई किस्से सुने थे, जिसकी वजह से उनका सपना था कि वे स्वराज्य की स्थापना करें। इसीलिए शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का विरोध किया और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। जहाँ जहाँ तक शिवाजी महाराज का परचम था वहाँ तक शिवाजी महाराज ने मुगलों को उखाड़ फेंका था, जिसके लिए उन्हें कई संघर्ष करने पड़े और कई रातें जंगलों की गुफाओं में बितानी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और न ही कभी अपना सिर झुकाया। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।